डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीजों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य विषय और उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931। जन्म स्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असीमा। पत्नी नहीं है, शादी नहीं की। व्यवसाय इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीयता भारतीय। निधन 27 जुलाई 2015, शिलोंग, मेघालय, भारत। राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम यादुरा सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना ये था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में BSc/BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि IIF ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे, और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएंगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न ही दिन देखा, न भूख देखी, न ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। एपीजे अब्दुल कलाम करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए, और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया।
1970-1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले दो और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मान फेलो व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य ये था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को दो बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। सम्मान का वर्ष पुरस्कार का नाम पुरस्कार को देने वाली संस्था 2014 डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, 2012 डॉक्टर ऑफ लॉज मान उपाधि साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय, 2010 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वॉटरलू, 2009 मान डॉक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय, 2009 हूवर मेडल एमएसएमई फाउंडेशन, 2009 वोन कॉम विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2008 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयान टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर, 2008 डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 2000 रामानुजन पुरस्कार अलवारेज शोध संस्थान चेन्नई, 1998 वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार, 1997 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1997 भारत रत्न भारत सरकार, 1990 पद्म विभूषण भारत सरकार, 1981 पद्म भूषण भारत सरकार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहाँ 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। डॉक्टर कलाम के विचार। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक है। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। 4. जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है जो चारों ओर करवाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए।